टू अवध कुलू ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आज आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि अपने पीसी या फिर लैपटॉप में यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो किस तरह से अपलोड किए। तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। पीसी या फिर लैपटॉप से शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब, नहीं तो यहाँ पे नीचे यूट्यूब का लोगो अगर दिखेगा तो यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल को ओपन होने के बाद आप यहाँ पे अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे जो कि राइट साइड में आपको मिल जाएगा। ऊपर में ऊपर करने के बाद सिंपली आप यहां से आएंगे अपने YouTube स्टूडियो में। आप यहां पे क्लिक करेंगे, चैनल का लोगो दिख जाएगा। उसके बाद यहां पे आप क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे देगा सेलेक्ट फाइल्स, आप अपने फाइल को सिलेक्ट करिए आप जो भी बनाए रहेंगे शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा फाइल मिल गया है, मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि ये ओपन होके आ गया है, यहाँ पे मुझे अपने टाइटल उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है। तो दोस्तों, चलिए मैं अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने टाइटल और अपने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप भी अपना टाइटल देने के बाद लास्ट में हैशटैग शॉर्ट जरूर दें, जिससे यूट्यूब ऑटोमेटिकली अपने शॉर्ट फीचर में आपके वीडियो को भेज देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्लेलिस्ट। ये आपको अपने प्लेलिस्ट में सेव करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जो भी प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें टिक करके उसके बाद डन कर दीजिएगा। इसको आपको हमेशा नो इट्स नॉट फॉर किड पर रखना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आगे आएंगे शो मोर पे, इसका टैक्स। तो दोस्तों, मैंने अपना टैग दे दिया है। टैग देते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, टैग्स अपने कंटेंट या अपने वीडियो या अपने चैनल के रिलेटेड ही रखें, इससे आपके वीडियो को वायरल होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कैटेगरी। मेरा कैटेगरी एजुकेशन है, तो इसलिए मैं अपना कैटेगरी को एजुकेशन पर सिलेक्ट किया हूँ। तो आपका जिस प्रकार का चैनल आएगा उसी कैटेगरी को आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद वीडियो को करते हैं नेक्स्ट। ये सब आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट वीडियो में। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोबारा, इसके बाद फिर से नेक्स्ट। इसके बाद अगर आप अपने वीडियो को तुरंत पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पर पब्लिश कर दीजिए, या फिर शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल कर लीजिए। मैं आपको पब्लिश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर करेंगे तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो जैसे कि आपका वीडियो पब्लिश हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।